खरगोन जिले के अंजन गांव निवासी एक महिला ने गत दिनों प्रसव के दौरान तबीयत बिगड़ने पर इंदौर ले जाते समय मौत हो गई। इस मामले में मंगलवार को परिजनों और समाजजनों ने महेश्वर अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक पर उपचार के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। मंगलवार को नाभावंशी फुलमाली समाज के बैनर तले कलेक्ट्रेट को शिकायत की गई। कलेक्ट्रेट पहुंचे विकास मालाकार ने बताया कि उनकी पत्नी नेहा 24 वर्ष को प्रसव पीड़ा होने पर 28 जून को महेश्वरी शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल में पदस्थ महिला चिकित्सक ने भर्ती होने के बाद भी नेहा का कोई उपचार नहीं किया। प्रसव ने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद नेहा की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसकी सूचना पर करीब एक घंटे बाद चिकित्सक अस्पताल पहुंची और बगैर प्राथमिक उपचार किए इंदौर ले जाने का कह दिया। आनन फानन में नेहा को इंदौर ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। समाजजनों ने नाराजगी जताते हुए चिकित्सक पर कार्यवाही के साथ ही नेहा के नवजात बच्चे के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ज्ञापन देने पहुंचे हैं आपके, जो भी मामला हुआ बताएं उस बारे में। जी, मैं नेहा का पापा हूं और मैंने शासकीय अस्पताल में महेश्वर में अपनी बेटी को प्रसव के लिए एडमिट किया था, लेकिन डॉक्टर वंदना प्रजापत की लापरवाही के चलते मेरी बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई और इस कारण में समाज जन पूरे एकत्रित होकर पूरा समाज दुखी है मेरा। और मैं पूरे समाज वाले चाहते हैं कि बिल्कुल इसको वृंदा जो प्रजापत है डॉक्टर, उसको बिल्कुल निलंबन से भी ज़्यादा अच्छी ज़्यादा कड़ी कार्रवाई करी की जाए और आगे से कोई लापरवाही ना हो ऐसी। मतलब जो इसका जिम्मेदार आप डॉक्टर को मान रहे हैं? बिल्कुल डॉक्टर को मानते हैं ना, क्योंकि डॉक्टर यदि वहाँ उपस्थित होती तो ये चीज़ ही नहीं होती ना, क्योंकि उनकी पूरी पूरी लापरवाही हुई। क्या मांग कर रहे हैं? बिल्कुल इनको ऐसे सस्पेंड या डिसमिस कर दो जी, लाइसेंस ही रद्द करना चाहिए इनका तो, क्योंकि आगे आज मेरी बच्ची के साथ हुआ, कल किसी और बच्ची के साथ भी होगा ना ऐसा कभी लापरवाही हुई तो। क्या नाम है आपका? दिनेश फुलकर महेश्वर। आप समाजजनों के साथ में जी? अभी मैं माली समाज प्रदेश अध्यक्ष युवा संगठन से हूँ और महेश्वर स्वास्थ्य विभाग में जो हमारी बहन की प्रसव पीड़ा के समय मृत्यु हुई थी, हम उसके लिए आज कलेक्टर साहब को विज्ञापन देने आए हैं और हम चाहते हैं कि जो डॉक्टर की लापरवाही हुई थी उस डॉक्टर वंदना प्रजापति को निलंबित किया जाए, अन्यथा नहीं कभी कुछ शासन द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है तो हम समाजजन मिल उनके विरुद्ध आंदोलन छेड़ेंगे। ऐसे कोई मामले पूर्व में आए थे क्या? सुनने में आया है कि इनकी लापरवाही हमेशा से चलती है, वही हमारी बहन के साथ भी हुई है। हमारी बहन एकदम स्वस्थ थे और इनकी पूरी लापरवाही के कारण आज हमको ये दिन देखना पड़ा, आज वो हमारे बीच में न रहे। क्या नाम लिखा? अनिल मालाकर। मैं नेहा का पति विकास मालाकर हूँ। हमने गवर्नमेंट महेश्वर हॉस्पिटल में नेहा को 28 तारीख को सुबह 6 बजे के आसपास एडमिट करवाया था। उस दौरान वहाँ पर डॉक्टर महिला चिकित्सक डॉक्टर वंदना प्रजापति पदस्थ थी, वो सुबह 10 बजे के लिए आए। 10 बजे आने के बाद जब रूटीन चेकअप उन्होंने किया तो उन्होंने ये बोला गया कि सब कुछ सामान्य है और सामान्य प्रसव हो जाएगा, और उसके बाद में एक बार चेक करने के बाद में फिर वो 2 बजे तक रहे और 2 बजे के बाद में फिर वो चले गए। 2 बजे के बाद से वो 10 बजे तक वहाँ पे दिखे नहीं हमको। इस बीच में नेहा को दर्द होता रहा, काफ़ी दर्द आते रहे। हमने 4-5 बार मतलब नर्सों को पूछा भी कि मैडम कहाँ पर है, तो वो बोल रहे थे कि मैडम अभी आ रहे हैं, मैडम अभी आ रहे हैं। 9:09 को डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने के बाद तक भी वहाँ पर मैडम अवेलेबल नहीं थे। डिलीवरी होने के बाद में नर्सों द्वारा लापरवाही की गई, उसको ब्लडिंग होने लगी, उसके बाद तक भी मैडम वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुए। फिर उन्होंने फ़ोन लगाया नर्सों द्वारा फ़ोन लगाने के एक घंटे बाद में मैडम वहाँ पर आए। तब तक इतनी ब्लडिंग हो चुकी थी, जैसे ही वो आए उन्होंने तुरंत रेफ़र कर दिया। इसके पहले की जानकारी हमको किसी को भी नहीं बताई गई कि अंदर क्या चल रहा है। लापरवाही के चलते पूरी तरीके से लापरवाही हुई है। मेरा डॉक्टर वंदना प्रजापति पे सीधा सीधा आरोप है, यदि वो ड्यूटी टाइम पे वहाँ पर अवेलेबल रहती, प्रसव के दौरान अवेलेबल रहती वहाँ पे और टाइमली वो रेफ़र कर देती तो आज हमको जो भुगतना पड़ रहा है, हमारे पूरे परिवार को, आज एक मासूम सा बच्चा उसके माम की ममता से बिछड़ गया है। सख्त से सख्त हम कार्रवाई चाहते हैं उसके खिलाफ। शिकायत की? हाँ। खाने पे नहीं करी?
थाने पे अभी शिकायत नहीं करी गई है। मेरा नाम विकास मालाकार है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।